आज खबर तहकीकात की टीम पहुंची है शिकारपुर ब्लॉक के गांव रिवाड़ा में और हमारे साथ मौजूद हैं यहां प्रधान पद के प्रत्याशी। इनसे भी जानकारी जुटाएंगे कि यहां जिस तरीके से प्रधानी चुनाव चल रहा है तो किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है और कैसा है मामला। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू अंसारिया जी। तो जैसे COVID-19 भी चल रहा है, हालांकि हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी लोग मास्क का प्रयोग भी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार किस तरीके का चल रहा है आपका यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ जितने लोग चलते हैं सब मास्क लगाकर चलते हैं और दूरी बनाकर चलते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, अगर आप पालन कर रहे हैं COVID-19 का। दूसरी बात हम जानकारी आपसे लेनी चाहेंगे कि आप जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा था? हाँ, मैंने 1995 में BDC का चुनाव लड़ा था और मैं BDC में कामयाब हुआ था। उसके बाद में मैं 1990 में प्रधानी का चुनाव लड़ा और मात्र 30 वोटों से हार गया था। जब आप BDC बने थे, BDC का एक छोटा सा चुनाव होता है जी, कोई इतनी बड़ी कोई पावर नहीं होती हाथ में। उसके बाद जब आप चुनाव हारे प्रधानी का, पहले तो ये बताइए BDC में जब आप लड़े तो कितने वोटों से जीते थे? मैं उस टाइम पर ऐसे 35 वोटों से जीता था। तो हार जीत तो चलती रहती है, गांव से आप बने रहे, बाद में भी जैसे हार जाते हैं प्रधान तो एक तरीके से भाई गांव वालों ने मुझे हरा दिया, अब हम गांव के लिए क्या करें, कुछ ऐसा? मैं 1990 से जनता से जुड़ा हूं और मैं खासकर गरीब लोगों से के करीब रहता हूं और यहां गुंडे लोगों से बदतमीज लोगों के सामने मैं गरीबों को झुकने नहीं देता। यही खासियत है कि आज मेरे साथ सारे मजलूम लोग, सारे गरीब लोग, सारे अच्छे लोग मेरे साथ हैं, आपके साथ जुड़े हुए जी। तो बिना प्रधान बने भी आपने एक प्रधान जैसा काम किया? नहीं, ये तो अब जनता का महत्व है साहब। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक प्रधान बनने से पहले तो हम लोग जो है जैसे 15-20 दिन पहले या महीना भर पहले लोगों से जुड़ जाते हैं, है ना जी। गांव में कुछ अच्छा खासा किया, कुछ जो है लोगों से जुड़े, कुछ उनको पैसे का लालच दिया, कुछ लोग जो है शराब भी बांटते हैं, है? अब मकसद है उससे पहले, यानी कि चुनाव से 6 महीने पहले से आप साल 2 साल पहले से कभी जुड़े रहे थे? मैं एक संस्था से और जुड़ा, वन विभाग में मैं अध्यक्ष बना और उसमें एक योजना आई तो मैंने गांव के मरघटों में खरंजा लगवाया और एक कब्रिस्तान में लगवाया। तो मैं हिंदू और मुस्लिम को बराबर की नज़र से देखता हूँ। उसमें यात्री शेड लगवाया मैंने अपने जो मेरे विद्यालय के बिल्कुल सामने है, तो जितना पैसा आया उसमें से मैंने एक पैसा इधर उधर नहीं करा, वो सब कार्य करा दिया। बात भी सही है, अगर पहले से हम लोग तैयारी करेंगे, गांव वालों के साथ पहले से मिलकर चलेंगे, प्रधान बिना बने ही हम गांव वालों की मदद करेंगे जिस तरीके से भी हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, उनके आपस में फैसले कराने हो, या गांव के अंदर कोई किसी तरीके की परेशानी हो, उसको उनके साथ जो है साथ रह के उनकी परेशानी में साथ देना हो, साथ ही कोई विकास कार्य जिस तरीके से बताया कि कब्रिस्तान का या शमशान का, उस तरीके के काम बिना प्रधान बने करें। अब बात करते हैं कि राम प्रधान की, चलिए मैं ये नहीं कह रहा कि उस जो आपसे वर्तमान प्रधान रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं कराया, बस एक जानकारी हमें आपसे चाहिए, आपके गांव के अंदर पंचायत भवन है? 2 है जी। पंचायत भवन 2-2 हैं, चलो ये साल तो COVID-19 का चल रहा है, पिछले 4 वर्षों में कभी पंचायत बैठी गांव वालों की? आप लोग सब बोल दीजिए एक बार, बैठी थी कभी पंचायत? बैठी थी जी। पंचायत में क्या बताते थे? न्याय की बात करते थे जी। है जी? न्याय की बात करते थे। न्याय की बात नहीं, मैं न्याय की बात नहीं पूछ रहा हूँ। बाबू जी आपसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, अभी अभी आ रहे प्रधान जी आपके पास, हम आ रहे हैं। हाँ बाबू जी आपसे पूछेंगे, बाबू जी आपसे बात करेंगे। हाँ सुनो, मैं 5 साल हो गए प्रधान को हुए इसको, तब पंचायत जोड़ी इसने, बताइए आपको या कौन कोई भी कहे। अच्छा बाबू जी एक बात, एक बार हमारी सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए बाबू जी, हम एक बात आपसे पूछेंगे, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 2.90। 2.90? 88। जाहिर सी बात है कि आपने बहुत सारे प्रधानी कार्यकाल देखे होंगे। जब से प्रधानी शुरू हुई हाँ, तब से मैंने मुझसे नाम पूछ लो कौन कब बना, कब किस साल में बना, अब तक बता दूँ। एक बात बताइए मुझे, आपके गांव में जैसे पंचायत भवन है,
पंचायत भवन इसलिए होता है कि जो प्रधान बनेगा वो शहर से योजनाएं लेकर आएगा और उन योजनाओं के बारे में गांव वालों को बताएगा। सारे और भी कुछ न थे, सारे सदस्यों को इकट्ठा करेगा। हाँ। भाई इस पैसे खुली बैठक करते हैं, कभी नहीं की, करना चाहिए कभी, आज तक नहीं। अच्छा चलिए, आपसे पहले 5 साल बाद चलिए दूसरी बात पे आते हैं, आपसे पूछेंगे हम। प्रधान जी तो बेचारे नहीं बता पाएंगे, शायद दूसरे किसी प्रधान की बुराई ना करें, आपसे पूछते हैं। आप तो इसी गांव के हैं ना, क्या नाम है आपका? मैं राजवीर शर्मा। राजवीर शर्मा। अच्छा अच्छा, तो शर्मा जी एक चीज और आपसे पूछेंगे कि यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो है? वो ये रहा है साहब। है इलाज होता है वहाँ पे? इलाज को आज तक कोई डॉक्टर ही नहीं आया। चलिए तीसरी बात पे आ जाते हैं। दो चीज तो ये आपके वो हो गए। कोई लड़कियों के लिए स्कूल है? लड़कियों का नहीं है। नहीं है ना। चलिए और एक बात पूछ लेते हैं, जो ये हम कूड़े के ढेर देख रहे हैं गलियों, ये नालियों में इस तरीके से गंदगी के मामले दिखाई दे रहे हैं, अटी पड़े हैं, साफ सफाई अच्छी रही आज तक कभी हमारे यहाँ? अगर आया होगा तो कहीं अपने गाँव में आया होता हो, नहीं आता यहाँ तो आज तक। चलो रोडों की बात कर लें, सफाई कर्मी आया नहीं। अब की बात, जो पिछली पंचवर्षीय योजना गई है उसमें बहुत अच्छा खासा पैसा दिया सरकार ने रोडों को ठीक करने के लिए। रोड ठीक हो गए सब? रोड भी हमारे यहाँ तो ना के बराबर ठीक हुए। आप रोड पर आए होंगे, देखे हैं आपने। ग्राम प्रधान को इसलिए चुना जाता है कि जो योजनाएं शहर से मिलेंगी उन योजनाओं को ग्राम प्रधान गांव में लेकर आएगा, पंचायत भवन में पंचायत करेगा और उन योजनाओं के बारे में सभी को जानकारी देगा ताकि ग्रामीण सभी लोग उन योजनाओं का लाभ उठा सकें, ऐसा ही प्रधान जी? जी। मगर बड़े अफसोस की बात है, आपसे भी हम कह रहे हैं प्रधान जी, जिस वक्त दौर आता है प्रधानी चुनाव का उस दौर तो हम हाथ जोड़ के पहुँच जाते हैं वोट मांगने के लिए, मगर जैसे ही जनता उसको चुन लेती है ना, उसके बाद ढूंढे से भी नहीं मिल पाते लोग। ये बात सही है गलत है? सही है, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब यही हम आपसे जानकारी ले रहे हैं कि ग्रामीण आपको अगर सरपंच बनाते हैं, आप इस गांव के अगर मुखिया बन जाते हैं, तो क्या आप भी गायब ऐसे हो जाओगे या लोगों में बने रहोगे? 5 साल तक मैं गाँव के हर आदमी से मिलूंगा और जो योजना मिलेंगे मुझको मैं सारे गांव के आदमियों के सामने रखकर हर योजना लागू करूंगा। मैं ऊपर वाले ने मुझे 2 रोटी बहुत चैन की दे रखी हैं, मेरी 69 साल की उम्र है, सिर्फ मैं जनसेवा करना चाहता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। और मैं ये चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएँ मैं आपके माध्यम से, किसी MLA MP के माध्यम से लाकर मैं अपने गाँव को स्वर्ग बना दूँ, ये मेरी मन की बात। ग्राम प्रधान प्रधानी चुनाव के दौरान बड़ा अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, शराब पिलाते हैं, गिफ्ट में बहुत बड़े पता नहीं क्या क्या, वो बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं, बड़े बड़े आइटम भी देते जो पैसे वाले होते हैं, कोई बाइक दे रहा है, कोई वॉशिंग मशीन दे रहा है। पिछली वाली पंचवर्षीय योजना में भी इस तरीके का मामला हुआ था कि कई जगह बाइकें पकड़ी गई खड़ी हुई, कई जगह वॉशिंग मशीन के ढेर, 200 वॉशिंग मशीन मिली थी, उनके बस्ते जमा हो गए थे। खैर अब इतना पैसा अगर ग्राम प्रधान जीतने से पहले लगाएगा तो जाहिर सी बात है जो योजना आएगी उस योजना के तहत, जैसे रोड बनवाना हुआ, शौचालय बनवाना हुआ, तो उसमें घोटाला ज़रूर करेगा क्योंकि वो पैसा उसको निकालना होता है कि नहीं जी? देखिए मेरी जनता मुझसे कोई ना खर्चा उठवा रही है ना मुझे परेशान कर रही है, बीड़ी भी बेचारे अपने घर की पीते हैं और वोट देने का मुझसे वायदा करते हैं। चलिए बाबूजी आपसे बात करते हैं, है ना, क्या ना, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 77। है जी 77। 77, अरे वाह। और नाम क्या है? मंगल शफी। है जी मास्टर मंगल शफी। अच्छा अच्छा, जैसे आपने बहुत सारे कार्यकाल देखे होंगे प्रधानी के, बहुत है ना, तो ऐसा अक्सर होता है कि नहीं, जैसे मैं अभी कह रहा था शायद मैं गलत हूँ के प्रधान वोट मांगने के दौरान तो हाथ जोड़ के मांगते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ अब तक ऐसा ही है। अब तक ऐसा है ना जी? हाँ। क्या उम्मीद जता रहे हैं आप इन पे जो बैठे हैं? उम्मीद में ये जता रहा हूँ सर कि मैं अक्सर निकलता बढ़ता रहता हूँ, मेरा घर जो है क्या वो पल्ली तरफ है और प्रधान जी जो प्रत्याशी अब वर्तमान है उनका मकान यहाँ है, तो कभी कभी मैं सौदा वगैरह लेने आ जाता हूँ, तो मैंने देखा है कि गरीबों की मदद करते हैं जी। हाँ। अच्छा, ये कोई दो राय नहीं, कोई भैया बोल जाना अगर ऐसा न किया हो। अच्छा,
अगर किसी को बीमारी है, पहले देखो एक मैं आपको बात बताऊंगा, इनके लड़के की बारात जा रही थी और उस बारात के दौरान में किसी हमारे ही आदमी का घरवाली बीमार थी, उसने आकर कहा अगर 10,000 रुपये हों तो मेरी घरवाली बच जाए। तो जब तक तो प्रधानी का कोई ख्वाब भी नहीं था इनका। जी हाँ, उसी समय उससे ये कहा कि 10,000 नहीं 20,000, लड़के की शादी तो मैं कर लाऊंगा अपनी। तो मेरे दिल में जगह सी हुई तो कि ये आदमी चाहे जो अपनी भलाई के अलग करते हुए और दूसरे की भलाई में, जो दूसरे की भलाई में, बहुत अच्छी आपने बात। सबसे पहले दिखाएं थोड़ा सा, सोशल डिस्टेंस से सभी लोग बैठे हुए हैं और इतने यानी कि कम से कम 20-25 लोग तो हैं। इन 20-25 लोगों की अगर हम बात करते हैं तो इतने लोगों में जाहिर सी बात है कि कोई झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ज़रूर उठा देता है अगर कोई बात गलत होती है। और एक और है यहाँ पे ताऊ जी, इनसे बात करेंगे। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना? ध्यान रखना बड़ा, कोविड चल रहा है आजकल। क्या कह रहे हैं वो बाबा भी बोले थे और वो भी ताऊ जी भी बाबा जी भी बोले थे, कहाँ तक सही हैं? ये गरीबों के मसीहा हैं, सबकी मदद करते हैं और सबको मान और सम्मान देते हैं। मान सम्मान की ही गरीब और कमज़ोरों की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा। ये सेवा करने के लिए ही खड़े हुए और इंशाल्लाह सेवा ही करेंगे। हम कैसे यकीन करें? लॉकडाउन जब लगा था पिछले साल, स्थिति तो खैर फिलहाल भी ऐसी बनी हुई है, जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान ये आपके बीच में रहे थे? जी रहे थे। मदद किया? जी हाँ, मदद करी थी इन्होंने, पब्लिक की मदद करी। कैसे मदद की? पैसे से मदद करी थी इन्होंने और दुकान परचून की होती है, और सौदे से भी मदद करी, उधार लेना देना सबका, भाई टाइम काटो बढ़िया बढ़िया, पैसा लेना देना तो होता रहेगा बाद में, आप अपना टाइम काटो बढ़िया, जिस चीज़ की जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। बहुत अच्छी आपने बात कही। बाबू जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कैसे हैं आप? क्या नाम है? शहजाद। शहजाद, आपकी उम्र कितनी है? होगी 70 के करीब। झूठ तो बोलेंगे नहीं, जाहिर सी बात है ना भाई, सबको अपनी अपनी कब्र में सोना है। एक बात बताइए बाबू जी, क्या प्रधान चुनने के लायक हैं? हैं, पक्की बात है? पक्की, बिल्कुल। तो गांव के लिए कुछ कर पाएंगे? ये हर चीज़ करेंगे, जो मिलेगी उसे ही करेंगे। अच्छा, हाँ। फिलहाल तो बड़े बुजुर्ग सभी उम्मीद जताते नजर आ रहे हैं। एक और यहाँ पे भैया बैठे हैं, उनसे भी चलिए। बैठे रहिए आप, बैठे हम आ रहे हैं। सब लोग ऐसे ना, सब लोग डिस्टेंस से बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिलहाल सोशल डिस्टेंस का अगर सब लोग पालन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग हाँ बचे भी रहेंगे। क्या नाम है आपका? जी मास्टर नबी शेर खान। बता दीजिए अभी थोड़ा सा इनके बारे में। जी इनके बारे में मैं जितना बताऊं उतना थोड़ा ही है। ये पहले प्रधान पद के उम्मीदवार पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, 10-5 वोटों से हार जीत हुई। इस बार मौका देंगे ना? इस बार इन्हें पूरा मौका मिलेगा और हो सकता है कि अगर ऊपर वाले की दया दृष्टि रही तो ज़्यादा वोटों से जीतेंगे भी। और ये पहले BDC रह चुके हैं, तो BDC के कार्यकाल में इन्होंने जो मदद की थी गरीबों की, वो लोगों को आज भी याद है। ये बात सही है। युवा शक्ति भी है यहाँ पे। युवा शक्ति। क्या नाम है आपका? जी आसिफ नाम है मेरा। आसिफ, इसी गांव के हैं? हाँ जी। गांव के अंदर कोई डिग्री कॉलेज आए चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। कोई लाइब्रेरी आए पढ़ने के लिए? अब जैसे थाली का समय चल रहा है, कोई लाइब्रेरी होती तो आप जैसे सब वहाँ बैठ के लाइब्रेरी में कुछ पढ़ते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ युवाओं के लिए तो शिक्षा बहुत, कंप्यूटर सेंटर हो, कंप्यूटर वगैरह हो, वैसे और सेंटर हो। हमारी बहन बेटियाँ जो हैं वो एक मिनट कस्बों में जाती हैं है ना पढ़ने के लिए। आपसे एक मिनट। हाँ बताया। अब से पहले प्रधान जो थे हमारे यहाँ, उनके पास हम गए, जो हमारे पहले एक विधायक थे मुकेश पंडित, तो उन्होंने बताया कि भाई आपके लिए मास्टर जी एक हम मॉडल कॉलेज देते हैं, मगर हमें एक नंबर ऐसा चाहिए कि 16-17 बीघा का हो। हम प्रधान के पास आए, प्रधान से हमने कहा कि भाई आप हमें जो प्रस्ताव करके, इस जी एक नंबर भी हमने बताया कि नंबर 16-17 बीघा का है, उसका आप हमें प्रस्ताव करके दे दें। मगर उस प्रधान ने हमें बहकाया खूब, 3 बार चक्कर लगवाए, मगर वो काम करके नहीं दिया, जिससे कि हमारा वो कॉलेज हमारे हाथ से निकल गया। एक स्वार्थ विभाग आया, स्वार्थ विभाग के लिए उसने जमीन आवंटित नहीं की, वो भी चला गया हमारे यहाँ से। तो अब हमें उम्मीद, ये जो हमारे प्रत्याशी बैठे बाबू खान साई, हमें उनसे यही उम्मीद है कि ये आगे को जो है हमारे काम है, ये उन कामों को जो अधूरे लटके रह गए उन्हें पूरा कराएंगे। हालांकि हमने प्रधान जी से साफ तौर पर मना किया कि भीड़भाड़ का माहौल बिल्कुल ना हो, जिसको लेकर काफ़ी कम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो पाए हैं।
चलिए एक भैया और बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नितिन। क्या नाम है? नितिन। नितिन, अच्छा नितिन बताओ, यहाँ पढ़ाई लिखाई को लेकर जो हमारी बहन बेटियाँ हैं वो जैसे कि शिकारपुर जाती होंगी, जाहिर सी बात है, अगर गांव में ही कोई कॉलेज ऐसा आ जाए तो बेटर रहेगा ना? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। है ना, बहुत अच्छा। किसको चुनेंगे इस बार? आप तो बाबू खाई हैं। बाबू खां, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं? हम राघव हैं। राघव, राघव साहब इनके साथ है, आप इनके साथ हैं? ना, हम इनके साथ हैं। अच्छा, सिर्फ आप का अकेला घर? ना, हमारा तो और घर भी है। और सब? और सब इनके साथ है, सब सब इनके साथ हैं। राघव जी भी सब इनके साथ में है। और किससे बात करेंगे? आपसे बात करें, आपसे बात कर लें बाबू। ये सब जो युवा बैठे हैं ना यहाँ पे, ये सब बाबू खां, जो बाबू अंसारी प्रत्याशी हैं, धूप में भी बैठा है। ये क्यों बात होते हो? दो बैठे, तीन, चार, पांच, सभी लोग धूप में बैठे हैं। ये इनकी मोहब्बत में बैठे हुए हैं यहाँ पे, प्यार में, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। बाबू भाई, आपसे दो बात और कर लेते हैं ना, जनता आप पर बड़ा भरोसा जता रही है यहाँ की जी, कैसे यकीन करें आपके ऊपर, एक बार बता दीजिए। यकीन की बात नहीं है। हाँ। इनमें आत्मविश्वास है इनमें। अच्छा अच्छा, ये अपनी आत्माओं की आवाज निकाल रहे हैं। हाँ। और मैं ये चाहूंगा कि उन आत्माओं की आवाज पर मैं खरा उतरूं। बहुत अच्छी आपने बात कही। और ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे, बता दीजिए? ग्रामीणों के लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि ये खरंजे नाली ये तो होते रहते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं, और मैं ये चाहूंगा कि मेरे गांव में डिग्री कॉलेज हो, और जहां तक मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने गाँव को डिग्री कॉलेज लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लड़के तो चले जाते हैं पढ़ने, लेकिन बच्चियों को बड़ी परेशानी होती है। आज का हिसाब बहुत गंदा है, तो मेरी बच्चियां गांव की पीछे रह जाती हैं, और उनके रिश्ते भी बड़े कैड़े होते हैं देहात की वजह से। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं कहीं से भी ये डिग्री कॉलेज अगर मेरे गांव को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि अब चुनावी ऊँट किस करवट बैठेगा। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना, तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठे रोल और दिल्ली की मसालेदार बिरयानी, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, सब मिलेगा लाजवाब। उंगलियां चाटते रह जाओगे जनाब। आइए ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली रोड, भूड़, बुलंदशहर। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना, तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठे रोल और आहूजा पान भंडार। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर कस्तूरी पान, सगाई पान, और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद, और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91 गांव चंदेरू, दहली रोड, बुलंदशहर। बिल्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व डायलिसिस डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी, मामन रोड, बुलंदशहर।